पंचायत धीमरपुरा गांव में बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बुलाई गई महिला सशक्तिकरण की बैठक। चांदपुर विधायक कमलेश सैनी के प्रयासों से नगर पालिका परिसर में लगेगी शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद त्योहारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नतीजों से गदगद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। हल्द्वार के अमहेड़ा ग्राम प्रधान के खिलाफ विकास कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर गांव पहुंची जांच टीम। जांच टीम के सामने खुली विकास कार्यों की पोल। धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में 15 साल तक के स्कूली बच्चों को लगाए गए खसरा और रुबेला के टीके। जलीलपुर के जेडी पब्लिक स्कूल और मदरसों में बच्चों को लगाए गए रुबेला के टीके। नजीबाबाद के एक स्कूल में पहुंचे सीओ अरुण कुमार सिंह। छात्राओं को दी आत्म सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी। नजीबाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने रायपुर चौराहे पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। संभल के बहजोई क्षेत्र में जंगल में अज्ञात शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। योगी सरकार में सरकारी अमले की भ्रष्टाचारी से परेशान जनप्रतिनिधि। मुरादाबाद विधायक रितेश गुप्ता ने शस्त्र लाइसेंस के नाम पर रिश्वत की मांग के आरोप को लेकर एडीजी से की दो चौकी इंचार्ज की शिकायत। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुरादाबाद में जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। संभल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देश पर गो तस्करों के खिलाफ चलाया गया अभियान। 80 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। दो पुलिस कर्मियों को भी किया निलंबित। रजपुरा में पिछले 3 महीनों से इंसाफ की गुहार लगा रही बलात्कार पीड़िता। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन पर कांग्रेस की गदगद। चंदौसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। रामपुर की कैमरे रोड स्थित मीट फैक्ट्री पर सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ की छापेमारी। अवैध पशु कटान की सूचना पर हुई छापेमारी।